हेलो एंड वेलकम गाइज, MPM के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, फाइनली मध्य प्रदेश नर्सिंग वालों के लिए परमानेंट डबल खुशखबरी यहां पर आ चुकी है। जैसा कि देख पा रहे होंगे, टाइम टेबल रिलीज हो चुका है। ठीक है, जो मध्य प्रदेश नर्सिंग वाले स्टूडेंट हैं उनके बहुत ही अच्छे दिन यहां पर आ चुके हैं, और वो भी वन नहीं, सिंगल नहीं, डबल। ठीक है, तो ये पहला नोटिफिकेशन आप देख पा रहे होंगे, दूसरा भी अभी हम आपको दिखा देंगे। और आप मध्य प्रदेश नर्सिंग से जुड़ी हुई हर एक जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर सकते हो। सो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि सितंबर में स्टार्ट हो गई थी, बट जो लास्ट डेट है ना वो 13 अक्टूबर, यानी कि 13 अक्टूबर से पहले पहले आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो नर्सिंग जॉब के लिए। ठीक है, कौन कौन कर सकता है, कितनी सैलरी आपको मिलेगी, सब कुछ आपको इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, और आप घर बैठे कैसे अपने मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं वो भी अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। आपके एडमिट कार्ड कब आएंगे, 24 अक्टूबर को। क्लियर, परीक्षा कब है, 4 नवंबर को, शनिवार को, ये एक्सपेक्टेड डेट है गाइस। और ऊपर देख लो, भर्ती परीक्षा 2021। क्लियर, तो ये तो आपने देख लिया, और ये पीस देख लो, परीक्षा शुल्क कितना लगने वाला है, जनरल और ओबीसी दोनों का यहाँ पर मेंशन किया हुआ है गाइज। गाइज ये तो अभी पहला पीडीएफ है, दूसरा पीडीएफ अभी बकाया है। ठीक है, क्योंकि एक साथ हम आपके लिए डबल खुशखबरी लेके आए हैं, और हम तो लेके आते रहेंगे। MPM के चैनल नर्सिंग वालों का नंबर 1 चैनल है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, अभ्यर्थी का आधार पंजीकरण होना चाहिए, ये पहली कंडीशन। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, कोई भी ID होना चाहिए। ठीक है, जो कि होगी आपके पास, सभी के पास। और इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें हैं, परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी हिंदी दोनों चलेगा। ठीक है, और ये परीक्षा का आयोजन यहाँ पर दिखा रखा है, और ये सीटों की संख्या यहाँ पर दिखा रखी है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन हम कर लेते हैं, अप्लाई कैसे करना है अभी हम आपको दिखा देंगे गाइस। और दूसरा कहाँ का रहने वाला है, दूसरा इंदौर का है। ठीक है, तो ये शारीरिक स्थिति, आपका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, सब कुछ हम आपको बता देंगे। और इस फॉर्म को भरने से आपको बिल्कुल सरकारी नौकरी मिलेगी नर्सिंग फील्ड में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अप्लाई ज़रूर करना है गाइस। अप्लाई कैसे करना है, चलिए हम आपको दिखा देते हैं, आपके सामने लाइव हम आपको दिखा देते हैं। ये सिलेबस है, देख लो, कॉमन एप्टीट्यूड का 30 नंबर का, और ये आपके 70 नंबर का होगा डोमिनेंस सिलेबस, यानी कि टोटल 100 नंबर का पेपर है। 100 में से आप अगर 75 क्वेश्चन भी करते हो ना, तो सीधी आपकी सरकारी नौकरी है। ठीक है, तो ये PDF तो हम टेलीग्राम पे भेज देंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब आपको अप्लाई कैसे करना है वो हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा ऊपर देख दे। और गाइज, ऑल इंडिया में सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकलती है कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। रिकॉर्ड है मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश में हमने एक चीज़ नोट की कि यहाँ पर जो भी वैकेंसी निकलती है परमानेंट निकलती है, और सबसे ज़्यादा यहीं पर निकलती है, तो लाइक बनता है मध्य प्रदेश वालों के लिए। ठीक है, श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा, मध्य प्रदेश की ये वैकेंसी है। ठीक है, तो चलिए कैसे अप्लाई करना है मोबाइल से। ओके गाइस, तो आपको टाइप कर लेना है MP ऑनलाइन। ठीक है, ये जैसा कि देख पा रहे होंगे, या फिर वैसे हमने नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है, MP ऑनलाइन सर्च करके जैसे आप आओगे ना, इसको डेस्कटॉप साइड में खोल लेना, तो यहाँ पर आपको श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा दिखेगा। ठीक है, तो इस पर आपको अप्लाई टू क्लिक, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। ये लो, तो ये पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर सेवाएँ जो दिख रहा है ना, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये एप्लीकेशन फॉर्म 13 अक्टूबर तक समाप्ति, तो इसके सामने यहाँ क्लिक करें, कार है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। ये लो गाइस, ये फॉर्म ओपन हो चुका है। आप चाहे तो इसको हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर इंग्लिश में आप इसको रीड कर सकते हो। ठीक है, तो ये है गाइस, यहाँ पर आपको अपना नाम भरना होगा, आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम। ठीक है, यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पर आपको नागरिकता, और ये हो जाने के बाद आपका क्या आप शादीशुदा हो, अगर है तो इस पर, अगर नहीं हो तो इस पर। ठीक है, इसके बाद आता है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पर आपको 10वीं 12वीं का एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरना होगा। इसके बाद अगर आपने यहाँ पर जो डिग्री कर रखी ना नर्सिंग से रिलेटेड, वो यहाँ पर मेंशन करनी होगी। इसके बाद ये आपका एड्रेस यहाँ पर भरना होगा। ठीक है, परमानेंट एड्रेस, बैंक डिटेल यहाँ पर भरनी होगी, क्योंकि जो आप बैंक डिटेल भरोगे पर मंथ सैलरी आपको उसी बैंक अकाउंट में मिलेगी, तो बैंक अकाउंट से भरना यहाँ पर। ठीक है,
और ये कैप्चर फिलअप कर देना है और नेक्स्ट पे क्लिक करके आपको पेमेंट करके अपना प्रिंट आउट निकलवा लेना है। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो इस प्रकार आप घर बैठे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो और बिल्कुल सरकारी नौकरी पा सकते हो गाइस, ठीक है। तो ये पहला गुड न्यूज़ हो गया। अब चलते नंबर टू गुड न्यूज़ की ओर, क्योंकि हमने आपसे डबल की बात की थी। ओके गाइस, अगली जो वैकेंसी है महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज से है, ठीक है, नाम चलता है इसका भी। तो आपको करना क्या है, ठीक है, जैसे आप यहाँ पर जैसे आप ओपन करोगे ना वेबसाइट को, जैसे होम में, तो इस प्रकार की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखाई देगी, ठीक है। तो आपको करना क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिख गया होगा पैरामेडिकल सब रिक्त पदों की पूर्ति के हेतु, तो इसके नीचे यहाँ पर दिख रहा होगा वो, यहाँ पर क्लिक हेयर फॉर MGMMC इंदौर वैकेंसी। ये जो इंदौर वैकेंसी दिख रहा है ये रेड कलर में हमने कर रखा है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद कुछ नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा आपके सामने, ये देखो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको नंबर टू पे देखो स्टाफ नर्स एडवर्टाइजमेंट, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो ये डाउनलोड हो चुका है, देखो सब कुछ आपके सामने हो रहा है। तो ये जो वैकेंसी है इंदौर वाली स्टाफ नर्स की भर्ती है और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है। इस चैनल पे आपको मध्य प्रदेश नर्सिंग की हर एक जानकारी मिलती रहेगी, चाहे वो एंट्रेंस के फॉर्म हो, रिजल्ट हो नर्सिंग का, नर्सिंग की कोई भी वैकेंसी हो, नर्सिंग के लिए कोई भी योजना हो, सब कुछ आपको इस पर मिलता रहेगा। आपको फॉलो अवश्य करना है, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर प्रेस कर लो, बाकी नर्सिंग की मध्य प्रदेश नर्सिंग की A to Z जानकारी आपको मिलती रहेगी। कोई भी वैकेंसी आएगी सबसे पहले यहीं पर मिलेगी। सो ये देखिए 18 पद है टोटल और न्यूनतम योग्यता आपके पास 10+2 पास आउट होना चाहिए, आपके पास नर्सिंग का डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, पूरा का पूरा यहाँ पर आप देख लो। और ये हम आपको टेलीग्राम पे भेज देंगे। वेतन की 28,700 ये आपकी स्टार्टिंग है, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा 35,000 तक ये चली जाएगी, बहुत अच्छा है। आरक्षण देख लो, यहाँ पर काफ़ी सारा आरक्षण आपको मिला हुआ है। आयु सीमा की बात करें तो कम से कम 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम 45 होनी चाहिए, यानी कि जिसकी उम्र 18 से 45 है वही यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, इसके बीच वाले ना ही 18 से कम वाले कर सकते हैं, ना ही 45 से ऊपर वाले, क्लियर। सामान्य शर्त देख लो, उम्मीदवार मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, ठीक है, और अधिकतर आप मध्य प्रदेश के ही हो, ठीक है ना। और इंदौर द्वारा आवश्यक सूचना रिक्त पदों की परिवर्तन किया जा सकता है, बिल्कुल, अगर पद ज़्यादा चाहिए तो ये ज़्यादा भी कर सकते हैं ऐसा है यहाँ पे। और ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन तो हम आपको टेलीग्राम पे भेजेंगे, टेलीग्राम को फॉलो नहीं किया तो कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है गाइस, ठीक है। ओके, आवेदन शुल्क देख लो, 1,000 रुपये 800 रुपये यहाँ पर रहने वाला है। आवेदन कैसे करें, बहुत सिंपल है। आवेदन करने के लिए पहले तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, मार्कशीट है, कास्ट सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा, जितने भी आपके ओरिजिनल है उनका फोटोकॉपी आपको करवा लेना है। फोटोकॉपी करवाने के बाद आपको एक फॉर्म भरना होगा। अब आप बोलेंगे सर वो फॉर्म कहाँ मिलेगा, तो अभी हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। अब ये फॉर्म इसी PDF के नीचे मिलेगा आपको, आवेदन का प्रारूप ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर ये फॉर्म आपको भरना होगा, यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज़ का जो फ़ोटो हमने मांगा था वो यहाँ पर लगाना है, आवेदक का नाम, पिता का नाम, शहर का नाम, फ़ोन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, हस्ताय पता, शहर का नाम, फ़ोन नंबर, ये सब आपको भर देना है। जन्म तिथि वही भरना जो आपकी 10वीं की मार्कशीट में दे रखी है, क्योंकि वही एक्चुअल होती है। और यहाँ पर आपको भरना है शैक्षणिक योग्यता, जो आपकी योग्यता ना एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो यहाँ पर भरनी है। कार्य अनुभव अगर है तो यहाँ पर आपको भरना है जो भी एक्सपीरियंस है। इसके बाद स्थान, हस्ताक्षर और दिनांक अवश्य भरना, और एक घोषणा पत्र भी आपको भरना होगा। तो ये ऑफलाइन तरीके से इस प्रकार से फॉर्म आपको भरना होगा। और जो पहले वाला दिखाया था हमने रीवा मेडिकल, वो तो ऑनलाइन ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये IPC कोड, अकाउंट नंबर भी दे रखे हैं आवेदन शुल्क पेमेंट के लिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप अप्लाई यहाँ पर कर सकते हो गाइस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे हिसाब से दोनों वैकेंसी नंबर 1 है, ये इंदौर वाली भी बहुत अच्छी है और रीवा वाली भी बहुत अच्छी है। आपको कौन सी अच्छी लगी कमेंट करके बता देना, आप चाहो तो दोनों में भी अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल दोनों में अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि दोनों के एग्ज़ाम अलग अलग डेट को है, तो आपके पास डबल मौका है गाइस। मध्य प्रदेश नर्सिंग वालों के सामने डबल मौके हैं और ऐसे मौके तो आते रहेंगे। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पर प्रेस कर रखा है, तो उनको तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बार बार हम आपसे बोल रहे हैं कि टेलीग्राम को फॉलो अवश्य कर लेना। सो गाइस, टेलीग्राम का नाम है DRMK Bro, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच है इसका। सो अभी जो हमने आपको टेलीग्राम दिखाया था वहाँ पर भेज देंगे, और बहुत अच्छी वैकेंसी है,
परमानेंट रहने वाले, लाइफ टाइम रहने वाले लेवल 5 का अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर वेतन मिलने वाला है। तो मध्य प्रदेश वालों के लिए दोनों के दोनों यानी कि डबल खुशखबरी बहुत ही डबल है।